If you like my video, then subscribe to my channel and hit the bell icon to never miss a video from Book Lover Kirti. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक लवर कीर्ति। आज है हमारी सी लैंग्वेज की प्रैक्टिकल क्लास, जिसमें कि हम देखेंगे कि कैसे स्विच स्टेटमेंट का यूज़ किसी प्रोग्राम में किया जाता है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि स्विच स्टेटमेंट क्या होता है। स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम क्या देते हैं, कोई सिचुएशन देते हैं, मतलब किसी वेरिएबल का हम नाम लिख देंगे जिसके हमें मतलब यूज़ करना है, जिसका हमें यहाँ पे हम लिख देते हैं उसका नाम। उसके बाद यहाँ पे हम ऐसे कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं और फिर केस कॉन्स्टेंट, इसमें वन भी आ सकता है। फिर उसके बाद केस, यहाँ पे केस वन लिख के ऐसे ये लगा देते हैं। उसके बाद फिर हम क्या लिख देते हैं, केस वन, फिर उसके बाद वही प्रिंट एफ ऐसे करके जो हमको प्रिंट कराना होगा, और फिर ब्रेक का यूज़ इसमें किया जाता है। ऐसे कर केस वन, फिर केस टू, फिर ऐसे करके फिर वही प्रिंट एफ ऐसे करके, फिर केस थ्री ऐसे करके, फिर लास्ट में यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट यहाँ पे क्लोज हो जाता है। तो इसमें जो होता है कि आपने मतलब स्विच के अंदर जिस वेरिएबल का नाम लिखा होगा तो वो जिससे मैच करता है वही प्रिंट होता है। अभी आप आगे प्रोग्राम जब हम बनाएंगे तो हम उसमें समझ लेंगे कि कैसे इसका यूज़ होता है। तो चलिए हम मुड़ते हैं अपने प्रोग्राम की ओर। तो अब हम देखेंगे कि स्विच स्टेटमेंट का किसी प्रोग्राम में कैसे यूज़ किया जाता है। तो हम अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं हमारे स्विच स्टेटमेंट से बनने वाला प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हैज फाइल को इंक्लूड करते हैं। हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, फिर दूसरी हैज फाइल हैज इंक्लूड कॉन्यू डॉट एच, फिर उसके बाद void main, void main, उसके बाद सॉरी ये नहीं लगाना था इसमें, फिर हमने कर्ली ब्रेसेस लगा दिए। यहाँ से हमारा प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है कर्ली ब्रेसेस के बाद, जहाँ पे लग जाता है। अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, int choice लिखेंगे, int choice, choice, int choice। ये जो वेरिएबल है ये हमें लिखना पड़ता है क्योंकि मतलब हम इस प्रोग्राम में अपनी चॉइस जो है एंटर करेंगे। तो फिर हम पहले तो हम क्लियर स्क्रीन लिख देते हैं, clrscr। इस प्रोग्राम को पहले मैं आप बता देती हूँ कि इसमें है क्या। इसमें हम अपनी चॉइस एंटर करेंगे जिसमें कि हमें नंबर लिखना होगा 1, 2, 3, 4, 5, एनी नंबर जो हमें मतलब चाहिए। तो वो नंबर हम एंटर करेंगे, फिर वो नंबर जिस केस से मैच मतलब जिस केस से मैच करेगा उसके अंदर लिखे जो स्टेटमेंट होंगे वो हमारे प्रिंट हो जाएंगे। तो उसमें हम इसके लिए क्या करते हैं, स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो हमने पहले क्लियर स्क्रीन लिख दिया है, फिर हम लिखेंगे प्रिंट है। आपको प्रोग्राम को बनाते बनाते समझ में आ जाएगा। प्रिंट है, एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस, उसके बाद हम लिखेंगे स्कैन एफ। पहले हम इसको एड्रेस कर देंगे परसेंटाइल डी से, क्योंकि ये इंट है तो इंट है तो परसेंटाइल डी का यूज़ किया जाता है इंट वैल्यू को। एड्रेस ऑफ, एड्रेस ऑफ चॉइस, सी एच वाई सी चॉइस, फिर हमने ये लिख दिया। अब यहाँ तक का जो हमारा मेन काम था वो तो हमने कर दिया है, हमने इंट चॉइस लिख दी है, प्रिंट एफ हमने लिख दिया है, एंटर योर चॉइस, स्कैन एफ लिख दिया है। अब यहाँ से हम स्विच की कंडीशन लगाएंगे, एस डब्ल्यू आई टी सी एच, ये हमने स्विच लिख दिया। स्विच लिखने के बाद हम ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और उसके अंदर जो मतलब हमारा जो वेरिएबल होता है उसका नाम लिख देते हैं, सी एच ओ, सी एच ओ आई सी ई, तो ये हमने लिख दिया। इसी पे जो स्विच स्टेटमेंट के अंदर जो हमने ये ब्रैकेट के अंदर ये लिखा हुआ है, इसमें इसकी जो वैल्यू होगी उसी पे काम होता है। तो पहले हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, स्विच स्टेटमेंट में स्विच चॉइस लिख दी, यहाँ से कर्ली ब्रेसेस लगा दिया। अब इसके अंदर से हमारे केस लगने स्टार्ट होंगे, केस फर्स्ट, ये जो वन है केस, तो हम किसी हर किसी में केस तो लिखेंगे लिखेंगे, वन जो होगा जो वो नंबर होंगे जिनका मतलब जो चीज़ जैसा आप लिखोगे एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस का अगर आपने वन लिखा है
तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ यहाँ पे है, ये चीज़ जहाँ पे मैच खाएगी, जिस केस के आगे यहाँ पे लिखा हुआ नंबर मैच करेगा वही केस प्रिंट होगा। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे वन लिखा, अगर आपने वन लिखा चॉइस में और जिस केस के आगे वो वही नंबर सेम टू सेम मिलेगा वही जो है प्रिंट हो जाता है। तो केस वन, तो केस वन यानी कि अगर आपने एंटर योर चॉइस जो है स्विच के अंदर, यानी कि स्विच के अंदर चॉइस जो वेरिएबल दिया था अगर इसकी वैल्यू आपने वन लिखी है तो क्या प्रिंट होगा, प्रिंट होगा हमारा प्रिंट एफ फर्स्ट, एफ आई आर एस फर्स्ट एन, फिर इसके बाद हम क्या लिख देंगे ब्रेक। ब्रेक लिखना बहुत ज़रूरी होता है, वो कैसे होगा मैं आपको बाद में बताऊंगी जब इसको हम प्रोग्राम को रन करवाएंगे, क्योंकि अभी तो ऐसा समझ में नहीं आएगा। केस टू, अगर यहाँ पे आपने चॉइस टू देखी, अगर चॉइस अगर आपने एंटर योर चॉइस में टू आता है, अगर आप टू लिखते हैं तो फिर अगर वो तो आपका टू के अंदर इस केस के अंदर, यानी कि अगर देखिए केस वन, अगर वन आता है चॉइस आपने वन लिखी है, ये वन यहाँ पे मैच कर रही है ना, तो केस वन तो खाली क्या प्रिंट होगा, फर्स्ट प्रिंट होगा। ये चीज प्रिंट एफ, मैंने क्या है प्रिंट एफ के अंदर क्या है फर्स्ट, तो ये फर्स्ट प्रिंट हो जाएगा। फिर केस टू, अगर वहां पे टू लिखा आपने तो क्या प्रिंट होगा सेकंड, सेकंड तो सेकंड प्रिंट हो जाएगा। फिर से आप ब्रेक लिखोगे, जितनी भी बार आप आपका ये स्विच स्टेटमेंट में केस लिखते हैं तो उसमें ब्रेक आपको लिखना जरूरी होता है। केस थ्री, अगर थ्री आप नंबर, अगर आप थ्री लिखोगे चॉइस में तो क्या प्रिंट होगा थर्ड, फिर से आप ब्रेक लिखोगे। जो भी केस होगा जितनी बार भी आएगा उस केस में हमेशा क्या लगेगा ब्रेक तो लगेगा ही लगेगा। बस बस मैं यही, अब मैंने इस प्रोग्राम में बस इतना ही बनाना चाह रही हूँ कि केस वन केस टू केस थ्री, मैं मतलब चाह रही हूँ कि तीन ही नंबर हो, तीन नंबर के अलावा अगर कोई भी नंबर अगर वो प्रिंट करता है तो मैं यहाँ पे एक डिफॉल्ट, यहाँ पे हमेशा एक डिफॉल्ट का केस जरूर डाला जाता है। डिफॉल्ट का केस इसलिए डाला जाता है क्योंकि अगर जैसे अगर आपने जो जो आपने केस लिखे हैं इसके अलावा भी अगर कोई मतलब पर्सन कोई अगर इसके इस रेंज के बाहर अगर कोई वो नंबर अगर मतलब एंटर करता है तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ प्रिंट तो होना ही चाहिए ना। अगर उसने अगर इसके बाहर कुछ मतलब इस रेंज के बाहर 1 2 3 के अलावा, जैसे आपने खाली 3 तक का केस बना रखा है मैंने, अगर इस केस के बाहर, इस केस के बाहर अगर कोई नंबर आ जाता है तो उसके लिए भी हम डिफॉल्ट का केस बनाते हैं। तो डिफॉल्ट में हम लिखेंगे प्रिंट एफ आउट ऑफ रेंज, आउट ऑफ रेंज हम ये लिख देंगे, इसमें आउट ऑफ रेंज लिख दिया और इसके नीचे लेकिन लेकिन इसके नीचे जो है आपका ब्रेक नहीं आता है, जो डिफॉल्ट का केस होता है उसमें ब्रेक नहीं आता है क्योंकि वो लास्ट होता है ना, आपको बताऊंगी मैं कि क्यों नहीं आता है। तो उसके बाद हम यहाँ पे गेट से इसके एंडिंग कर देंगे, गेट लिख के हम इसकी यहाँ पे एंडिंग कर देंगे और फिर ये गेट लिख दिया है हमने। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए ये स्विच स्टेटमेंट में ये है ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये एंड हो गया था स्विच का जो कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे शुरू हुआ यहाँ पे ख़त्म हुआ और ये मैंने यहाँ पे गेट लिख दिया। अब क्या था, जो शुरू में जो हमारा कर्ली ब्रेसेस था वो यहाँ पे है और उसको भी हम यहाँ पे एंड कर देंगे, यहाँ पे ये यहाँ पे हमने एंड कर दिया है। अब देखिए आपको मैं फिर से प्रोग्राम समझा रही हूँ, एंटर योर पहले क्या है इन चॉइस, हमने उसके मतलब वेरिएबल जो था उसको इंट लिख दिया, एंटर योर चॉइस उसको एड्रेस भी हमने दे दिया, स्विच फिर यहाँ से हमने स्विच स्टेटमेंट का यूज़ कर लिया स्विच चॉइस। तो चॉइस जो है यहाँ पे एंटर योर चॉइस, जो भी आप चॉइस एंटर करेंगे वहाँ पे जो भी नंबर जिस केस के आगे मैच, जिस केस के आगे वो नंबर लिखा होगा तो उसके अंदर प्रिंट एफ में जो लिखा होता है वो जो जाता है आपका, केवल वही स्टेटमेंट जो है आपका स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा और कोई भी केस जो है ये कुछ भी लिखा होगा वो प्रिंट नहीं होगा, उसको सिर्फ अपने जो यहाँ एंटर योर चॉइस जो होता है वो जो है यहाँ पे जो मतलब उसके आगे जो भी आप नंबर दोगे उसको सिर्फ उसी से मतलब होता है, वो नंबर जिस केस
के आगे लिखा होगा तो उस केस के अंदर प्रिंट एफ में जो लिखा होगा केवल वही प्रिंट होता है, इसके अलावा कोई भी प्रिंट नहीं होता है। लेकिन अगर आपने आउट ऑफ रेंज अगर कोई आपने नंबर प्रिंट कर दिया जो मतलब अगर केस वन से शुरू केस के सामने केस वन केस टू तो केस के सामने जो नंबर लिखा होगा जो कॉन्स्टेंट में जो नंबर लिखे होते हैं अगर इन नंबरों के अलावा अगर कोई नंबर आ गया तो डिफॉल्ट का केस लग जाता है। डिफॉल्ट प्रिंट प्रिंट डिफॉल्ट के अंदर जो प्रिंट में आपने लिखा होगा वही प्रिंट हो जाता है। तो एक बार हम अपना प्रोग्राम चेक कर लेते हैं ऑल्ट एफ नाइन से, तो ये बिल्कुल सही बना है। तो कंट्रोल एफ नाइन मैंने दबाया तो अब वो कह रहा है कि एंटर अ चॉइस। अगर मैं अपनी चॉइस वन लिखती हूँ तो देखिए फर्स्ट लिखा हुआ आ गया। क्यों आया? क्योंकि मैंने अपनी चॉइस में वन लिखा है और केस वन में फर्स्ट लिखा हुआ है। अब हम एक बार फिर से रन करवाते हैं। अगर मैं थ्री लिखती हूँ तो देखिए थर्ड प्रिंट हो गया। अब अगर मैं क्या करती हूँ, अगर मैं अपना अबर मैं तीन से देखिए अगर मैं तीन से आगे अगर तीन से बाहर अगर मैं कोई नंबर लिखती हूँ, मैंने मान लीजिए फाइव लिख दिया तो आउट ऑफ रेंज लिखा हुआ आ गया। ये क्यों आया? क्योंकि हमने केवल वन से लेकर थ्री तक का ही वो बनाया था। अब मैं यहाँ तक तो प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा स्विच का कैसे यूज किया जाता है। अब यहाँ पे ये है कि अगर मैं ब्रेक हटा दूँ कि मैंने आपको बताया था ना कि ब्रेक क्यों लगाते हैं। अच्छा मैं समझ से ब्रेक हटा देती हूँ तो आप देखिए कि क्या होगा, ब्रेक हटाने से क्या इफेक्ट पड़ेगा ये आप देखिए। ये मैंने यहाँ पे ब्रेक हटा दिया। अब मैं फिर से कंपाइल कर देती हूँ। कंपाइल करने के बाद अब मैं इसको ये देखिए, अब मैंने अगर अपनी चॉइस टू दी तो देखिए क्या हुआ, उसने सेकंड भी प्रिंट करा, उसने थर्ड भी प्रिंट करा और उसने आउट ऑफ रेंज भी प्रिंट कर दिया। यानी कि क्या होता है, ब्रेक इसीलिए लगाया जाता है, उसका नाम ही ब्रेक है कि जिस केस जो केस होगा उसके अंदर जो प्रिंट है लिखा होगा केवल वही प्रिंट होगा, उसके अलावा ना उससे पहले का प्रिंट होगा ना उससे बाद का कुछ प्रिंट होगा। और अगर आप ब्रेक नहीं लगाते हैं तो वो सीधा जो है जिस जहाँ पे मतलब वो लिखा होगा जो आपने चॉइस में लिखा है जो नंबर वो उस केस के अंदर वो नंबर जिससे मैच करेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एंटर चॉइस में टू लिखा है तो वो सीधे केस टू में जाएगा जो हमारा मतलब कंपाइलर होगा तो वो केस टू के अंदर लिखा हुआ जो प्रिंट में जो लिखा हुआ जो स्टेटमेंट होगा वो भी प्रिंट करेगा और उसके बाद के भी सारे के सारे प्रिंट कर देता है। तो अगर मैं एक बार आपको एक बार और दिखा देती हूँ इसे करके, अगर देखिए मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे वन लिख देती हूँ तो देखिए वन फर्स्ट से लेके फर्स्ट सेकंड थर्ड और आउट ऑफ रेंज भी प्रिंट करेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड आउट ऑफ रेंज। अगर मैं आपको यहाँ पे जैसे अब अगर आप यहाँ पे चलो आउट ऑफ रेंज अगर मैं फोर दे देती हूँ तो इसने खाली आउट ऑफ रेंज प्रिंट करा, यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा क्योंकि भाई वो तो डिफॉल्ट उसके नीचे तो कुछ है नहीं ना, डिफॉल्ट के केस के बाद तो कुछ है ही नहीं तो इसलिए वो डिफॉल्ट के बाद कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। लेकिन अगर क्या होता है, अगर आपने ब्रेक का यूज करा है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, जिस केस से वो मैच करेगा केवल उसी के अंदर के केस में लिखी हुई चीज को प्रिंट करता है। अगर मैं फिर से यहाँ पे ब्रेक का यूज कर दूं, फिर से अगर मैं ब्रेक लगा दूं दोबारा से अगर मैं सही कर देती हूँ ब्रेक लगा देती हूँ तो वो फिर से सही हो जाएगा। देखिए फिर से वो सही हो जाता है। बस अब मैं इसको पहले कंपाइल कर लेती हूँ, ये मैंने कंपाइल कर लिया। अब मैं इसको रन करवा लेती हूँ। अब देखिए अब मैं अगर थर्ड करती हूँ तो खाली थर्ड प्रिंट हुआ, अगर मैं फर्स्ट करती हूँ वन नंबर दबाती हूँ तो खाली फर्स्ट प्रिंट होगा, सेकंड थर्ड कुछ प्रिंट नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा हमारा स्विच स्टेटमेंट। तो आज यहाँ पे हमारी क्लास यहीं पे एंड होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।